हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी उपमा स्टार्ट करते हैं। एक कप डालिया लेंगे और उसमें दो कप पानी डाल के पूरी रात भीगने के लिए छोड़ देंगे। पहले पैन को गर्म करके 3-4 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। अभी उसमें 1 चम्मच राई, 1 सूखा मिर्ची, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल, 1/2 चम्मच जीरा और 10-15 कारी पत्ता डाल के भून लेंगे। कटा हुआ एक प्याज, 1 छोटा कैप्सिकम और 2-3 हरी मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर पूजा के दिन ऐसा उपमा बनाना चाहते हैं तो प्याज को स्किप कीजिए। अभी उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 कटा हुआ टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी उसमें उबले हुए सब्जी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पत्ता गोभी, 1 कप फूल गोभी, 1 कप गाजर और 1/2 कप हरा मटर लिया है। आप भी अपने पसंद के वेजिटेबल लीजिए। अभी सब कुछ एक साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी जो उबले हुए वेजिटेबल्स डाले हैं उसके लिए थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल के मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो हल्दी भी स्किप कर सकते हो। भीगा हुआ डालिया का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हो कि डालिया कितने अच्छे से भीग गया है। अभी भीगा हुआ डालिया डाल देंगे। जब तक डालिया सॉफ्ट नहीं बनते तब तक इसको पकाना है। अगर आप जल्दी में हैं तो डालिया को 1/2 घंटे के लिए उबले हुए पानी में भिगो दीजिए। सॉफ्टनेस के लिए 2-3 चम्मच पानी डाल लिया है। ध्यान रखना है कि डालिया नीचे लग ना जाए। 2-3 चम्मच हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालिया पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अभी उसकी टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा पीनट ऐड कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।